हेलो फ्रेंड्स, इजी ट्यूटोरियल के इस नए वीडियो में मैं आज आपको एक बहुत ही बेहतरीन और रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बना के दिखाऊंगा, जैसा कि आप यहां पे अभी देख सकते हैं। आप ऐसा वेबसाइट अपने किसी स्मॉल बिजनेस और स्टार्टअप्स के लिए बना सकते हैं। ये वेबसाइट आप बिल्कुल फ्री में बना सकते हैं और ये बिल्कुल रिस्पॉन्सिव भी है। इसके साथ मैंने ये एक ब्लॉग पेज भी बनाया है। उसके बाद यहाँ पे अबाउट अस पेज एंड कॉन्टेक्ट अस पेज। अब देख सकते हैं ये वेबसाइट बिल्कुल रिस्पॉन्सिव है। ये कुछ इस टाइप से दिखेगा आपके मोबाइल फ़ोन या स्मार्टफोन्स पे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप ये वेबसाइट कैसे बना सकते हैं। ये वेबसाइट मैं वर्डप्रेस के थ्रू बनाने वाला हूँ, तो इसके लिए मैं पहले वर्डप्रेस डाउनलोड करूँगा। wordpress.org से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। wordpress.org/download, यहाँ से आप ये वर्डप्रेस का लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी एक डाउनलोड करके रखा है, जो आपको डाउनलोड करने के बाद एक जिप फाइल मिलेगा, इसे मैंने यहाँ पे रखा है। इस जिप फाइल को आप एक्सट्रैक्ट कर लें। जिसे मैंने ओपन किया, अब इन सब फाइल्स को अपने सर्वर पे, इन सारे फाइल्स एंड फोल्डर्स को अपने सर्वर पे अपलोड कर सकते हैं। यहाँ मैं अपने लोकल सर्वर पे बनाने वाला हूँ बैम सर्वर के थ्रू। तो मैं अपने बैम सर्वर के फोल्डर में जाऊँगा। पहले मैंने ये सारा फाइल्स एंड फोल्डर इस वर्डप्रेस से कॉपी कर लूँगा, कंट्रोल ए करके कॉपी। और मैं अपने बैम के फोल्डर में जाऊंगा www, यहाँ पे मैं एक फोल्डर क्रिएट करूँगा, कोई न्यू फोल्डर wordpress2 नाम से बना लेता हूँ। ये क्रिएट हो गया। अब इसके अंदर हम सारे फाइल्स एंड फोल्डर पेस्ट कर देंगे। तो हमारे सारे वर्डप्रेस फाइल्स एंड फोल्डर हमारे बैम सर्वर में आ चुके हैं। अब हमें एक डेटाबेस क्रिएट करना है। इसके लिए मैं अपने बैम सर्वर के phpMyAdmin में जाऊंगा, और आप डायरेक्टली टाइप कर सकते हैं localhost phpMyAdmin। अगर आपके पास बैम सर्वर नहीं है और इंस्टॉल करना आप सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे पुराने वीडियोस में देख सकते हैं कि वर्डप्रेस और लोकल होस्ट पे कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक नया डेटाबेस क्रिएट करूँगा। इसके लिए यहाँ डेटाबेस पे क्लिक किया और डेटाबेस का मैं नाम रख लूँगा wordpress2, यहाँ से क्रिएट। तो बस हमारा डेटाबेस भी क्रिएट हो गया। अब हमें चलना है अपने वेबसाइट पे, यानी लोकल होस्ट और जो मैंने फोल्डर बनाया था /wordpress2। यहाँ से आप अपना लैंग्वेज सेलेक्ट करके कंटिन्यू कर दें। लेट्स गो। और हम यहाँ पे डेटाबेस का नेम डालना है, तो जो मैंने डेटाबेस क्रिएट किया है wordpress2, और डेटाबेस यूज़र नेम हमारा है रूट, और पासवर्ड इज नल ब्लैंक, और सबमिट।
रन द इंस्टॉल। अब यहाँ हम साइट का डिटेल्स डालेंगे, साइट टाइटल मैं कुछ भी रख सकता हूँ, वेलकम यूज़र नेम में मैं एडमिन डाल देता हूँ, पासवर्ड आप कुछ यहाँ पे अपना ईमेल आईडी और यूज़र नेम एंड पासवर्ड देके इंस्टॉल कर लें, और हमारा वर्डप्रेस सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। लॉगिन ऐसे अपना आप यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लें। तो हमारा ये वर्डप्रेस का एडमिन पैनल है, यहाँ से हम अपना साइट विजिट कर सकते हैं, विजिट साइट। तो हमारा वेबसाइट कुछ इस टाइप से अभी दिख रहा है। अब हमें इसे कस्टमाइज करना है, इसके डैशबोर्ड इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे जो प्लगइन्स हैं प्री इंस्टॉल्ड जो हमें यूज़ नहीं, उसे हम डिलीट कर देंगे। हम चलते हैं यहाँ अपीयरेंस एंड थीम्स, जहाँ से हम एक नया थीम इंस्टॉल करेंगे। अगर आपके पास यहाँ ऐड न्यू थीम पे क्लिक किया, आपके पास अगर थीम डाउनलोडेड है तो आप यहाँ से अपलोड थीम में जाके अपलोड कर सकते हैं, और आप यहाँ से डायरेक्टली सर्च करके भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ सिडनी, तो हम इस थीम को यूज़ करेंगे इंस्टॉल। इंस्टॉल हो गया, हम इसे एक्टिवेट पे क्लिक करके एक्टिवेट कर लेंगे। तो हमारा न्यू थीम एक्टिवेट हो गया, अब हम देख सकते हैं अपना वेबसाइट। यहाँ से रिफ्रेश किया तो अब हमारा वेबसाइट इस टाइप से दिखने लगा है। अब हम यहाँ पे कुछ रिक्वायर्ड प्लगइन्स है उसे इंस्टॉल करेंगे, यहाँ पे क्लिक किया, इंस्टॉल दिस पेज बिल्डर। इंस्टॉल करने के बाद हम इसे एक्टिवेट करेंगे। ये सेकंड प्लगइन टाइप्स, इसे भी इंस्टॉल किया। ये थोड़ा टाइम ले सकता है, इंटरनेट स्पीड पे डिपेंड करता है।
तो हमारे ये प्लगइन भी इंस्टॉल हो गया। अब हम इसे एक्टिवेट कर लेंगे। तो ये रिक्वायर्ड प्लगइन इंस्टॉल हो गया। अब इसके अलावा भी हमें कुछ प्लगइन्स चाहिए, इसके लिए मैंने फिर से प्लगइन पे क्लिक किया और कुछ प्लगइन में सर्च करके यहाँ पे इंस्टॉल करूँगा। एड न्यू, और यहाँ पे मैं सर्च करूँगा साइट ओरिजिन। साइट ओरिजिन यहाँ आप देख सकते हैं, साइट ओरिजिन विजिट बंडल, इसे आपको इंस्टॉल करना है बाय साइट ओरिजिन इंस्टॉल। अब मैं एक और प्लगइन ऐड करूँगा, ऐड न्यू। यहाँ पे सर्च करेंगे कॉन्टैक्ट फॉर्म सेवन, इसे हम यूज़ करेंगे अपने कॉन्टैक्ट पेज में, सो यूज़र आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंस्टॉल। अब हम चलते हैं यहाँ अपीयरेंस एंड कस्टमाइजेशन, कस्टमाइज। तो यहाँ से आप जाके अपने वेबसाइट को कस्टमाइज करेंगे। सबसे पहले हम अपना साइट टाइटल सेट कर सकते हैं यहाँ से। आप चाहें तो डायरेक्टली यहाँ पे आप अपना वेबसाइट का लोगो अपलोड कर सकते हैं। मैं यहाँ लोगो नहीं, बस एक साइट टाइटल डाल दूँगा, कुछ भी लोगो। इस टैगलाइन को मैं हटा देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ। बस से सेवन पब्लिश। अब इस हेडर इमेज को चेंज कर सकते हैं, हेडर मैसेज को चेंज कर सकते हैं। इसे चेंज करने के लिए यहाँ पे हेडर एरिया और यहाँ से हेडर स्लाइडर, यहाँ से स्लाइडर में आप जाके अपना न्यू इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे न्यू इमेज अपलोड करूँगा। तो आप देख सकते हैं हमारा एक हेडर इमेज चेंज हो चुका है। मैं यहाँ से सेकंड इमेज भी चेंज कर सकता हूँ। इस टाइप से आप टोटल चार इमेज सेट कर सकते हैं, मैं फ़िलहाल दो ही यूज़ करूँगा। थर्ड स्लाइड एंड फोर्थ स्लाइड अप, चार स्लाइड, फिफ्थ सॉरी पांच स्लाइड अप यूज कर सकते हैं। ये हमारा दोनों स्लाइडर इमेज चेंज हो चुका है। अब हम अपना वेलकम मैसेज भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से, वेलकम टू माय वेबसाइट।
कर लेते हैं। और इसे सेव। तो आप देख सकते हैं हमारा हेडर इमेज और वेलकम मैसेज दोनों चेंज हो चुका है। अब हमें अपना एक होम पेज बनाना है जिसमें सारे एरिया होंगे, लाइक आवर टीम मेंबर, आवर वर्क। इसके लिए हम वापस अपने डैशबोर्ड में चलते हैं और पेजेस एड न्यू। यहाँ से मैं एक बार में सारे पेज क्रिएट कर लेता हूँ। पहले पहले होम होम पे सेलेक्ट करें, यहाँ पे पब्लिश, फिर एड न्यू। मैं एक ब्लॉग पेज बनाऊँगा, उसके लिए ब्लॉग एंड पब्लिश। मैं दो और पेज ऐड करूंगा, कॉन्टैक्ट अस एंड अबाउट अस। सो कॉन्टैक्ट अस तो हमारा ये पेजेस सेलेक्ट हो चुके हैं। अब हमें एक होम पेज को सेलेक्ट करना है। इसके लिए कस्टमाइज में फ्रंट पेज सेलेक्ट करने के फ्रंट पेज सेलेक्ट करना है। इसके लिए यहाँ से स्टैटिक फ्रंट पेज और इस पर क्लिक किया। स्टैटिक पेज फ्रंट पेज में मैंने होम सेलेक्ट किया और पोस्ट पेज पे ब्लॉग एंड पब्लिश। अब आप अपना वेबसाइट रिलोड करके देखते हैं तो ये कुछ इस टाइप से दिख रहा है। फिर से हम चलते हैं अपने एडमिन पैनल में। अब हम चलते हैं यहाँ पे अपीयरेंस एंड सिडनी इन्फो, इस पर क्लिक किया। यहाँ से डॉक्यूमेंटेशन, तो आप इस वेबसाइट पे आते हैं। यहाँ से आपको दो चीज़ें डाउनलोड करनी है। एक इंपोर्ट द सेटिंग फाइल, इस सेटिंग फाइल को आपको डाउनलोड करना है, और यहाँ से एक पोर्टफोलियो प्लगइन, जो आप वर्क का पोर्टफोलियो बनाएंगे इसके लिए यहाँ से पोर्टफोलियो प्लगइन, यहाँ से क्लिक करके इस दोनों फाइल को डाउनलोड कर लें जो मैंने डाउनलोड करके रखा है। तो आपको डाउनलोड करने के बाद यहाँ से आना है आपको टाइप्स में, टाइप्स में सेटिंग, सेटिंग पर क्लिक करके यहाँ सबसे नीचे इम्पोर्ट एंड इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पे क्लिक किया। यहाँ से चूज फाइल, जो आप वहाँ से सेटिंग फाइल डाउनलोड करेंगे उसको यहाँ पे अपलोड करना है। डॉट XML फॉर्मेट में होगा, इसे इम्पोर्ट। तो हमारा ये सेटिंग इंपोर्ट हो रहा है और ये हो गया। जो हमने एक
पोर्टफोलियो प्लगइन डाउनलोड किया था, उसे भी इंस्टॉल कर लेते हैं प्लगइन्स में चल चल के। यहाँ से ऐड न्यू और इसके बाद अपलोड प्लगइन, चूज़ फाइल, यहाँ से इस पोर्टफोलियो प्लगइन को सेलेक्ट कर लिया, सिडनी पोर्टफोलियो डॉट जिप जिप फाइल और इंस्टॉल एक्टिवेट। तो ये एक्टिवेट हो गया। अब हम देखते हैं हमें क्या बनाना है, हमें अपने हेडर इमेज के बाद ये आवर सर्विस पार्ट बनाना है। तो इसके लिए हम यहाँ चलेंगे सर्विसेज में, सर्विसेज में क्लिक किया और यहाँ से आप अपने सर्विसेज ऐड कर सकते हैं। तो ऐड न्यू, ऐड न्यू में चल के सर्विस का नेम और डिस्क्रिप्शन डाल दिया और आप यहाँ से आइकन सेलेक्ट कर सकते हैं, क्लिक हियर। यहाँ से आप अपना आइकन सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप सर्विस में कौन सा आइकन जो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो इसके लिए मैं सेलेक्ट करूँगा ये आइकन, मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो इसको ऐड करने के लिए इसे कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट और बस इसके बाद हम इसे पब्लिश कर देंगे। तो इस टाइप से हमारा एक सर्विस ऐड हो गया। आप इसी टाइप से अदर सर्विसेज को ऐड करेंगे। ये हमारा दूसरा सर्विस भी ऐड हो गया और एक और ऐड कर लेते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं हमने तीन सर्विस ऐड किया है। अब इसे हम अपने फ्रंट पेज पे डिस्प्ले करना है, इसके लिए हम चलते हैं पेजेस, होम। यहाँ से आप इस टेम्पलेट सेलेक्ट कर लें फ्रंट पेज और यहाँ से पेज बिल्डर, ऐड विजिट। यहाँ पे सिडनी थीम विजिट में चल के यहाँ से
सिडनी सर्विस टाइप ए, इसको सेलेक्ट किया और इसमें एडिट, यहाँ से आप टाइटल डाल सकते हैं। और बस इसे डन, इस रो का पैडिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ से इसको 30 अपडेट, तो आप देख सकते हैं हमारा फ्रंट पेज पे यहाँ पर सर्विसेज पार्ट ऐड हो चुका है। अब हमें ऐड करना है क्या, आवर टीम। अब टीम ऐड करने के लिए हम चलेंगे यहाँ पे एम्प्लॉइज, इस पर क्लिक किया, यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं एम्प्लॉइज नेम, यहाँ पे एक कस्टम लिंक भी डाल सकते हैं, डिस्क्रिप्शन भी डाल सकते हैं, और यहाँ से आप एम्प्लॉई इमेज सेलेक्ट कर लें। यहाँ से ये एक इमेज सेलेक्ट हो गया और पब्लिश। तो इस टाइप से हमारा एक टीम मेंबर ऐड हो गया। इस टाइप से हम और दो ऐड कर लेंगे। तो हमारा ये एम्प्लॉई ऐड हो चुका है। अब हम इसे फ्रंट पेज पे डिस्प्ले करने के लिए चलते हैं वापस पेजेस एंड होम, और यहाँ से हम एक न्यू रो ऐड करेंगे, ऐड रो, यहाँ से 1 इंसर्ट, ऐड विजेट,
बैकग्राउंड कलर थोड़ा चेंज कर दूंगा। फुल विड्थ एंड देन अपडेट। अब हम चल के देखते हैं अपना वेबसाइट। तो आप देख सकते हैं आवर टीम एरिया भी हमारे फ्रंट पेज में ऐड हो गया है। अब इस टाइप से और भी एम्प्लॉयज़ ऐड कर सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, हमें ऐड करना है आवर वर्क। अब वर्क को ऐड करने के लिए हम चलेंगे यहाँ पे प्रोजेक्ट्स में, ऐड न्यू, और यहाँ पे आप प्रोजेक्ट का नेम, डिस्क्रिप्शन और यहाँ से इमेज ऐड करके और कस्टम लिंक भी ऐड यहाँ पे डाल के और पब्लिश कर लें। इस टाइप से आप सारे प्रोजेक्ट को यहाँ पे ऐड करेंगे। इस स्टेप से मेरा एक प्रोजेक्ट ऐड हो गया। आप इन सब प्रोजेक्ट को एक अलग अलग कैटेगरीज में डालें। जैसे SEO, यहाँ से मैंने एक कैटेगरी क्रिएट किया, एक और क्रिएट करता हूँ डिज़ाइन, एक और वेबसाइट, अब सभी को अलग अलग कैटेगरीज में डालें। इस स्टेप से आप सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे पहले ऐड कर लें। तो इस टाइप से हमारे सारे प्रोजेक्ट ऐड हो गए। अब हमें इसे अपने फ्रंट पेज पे डिस्प्ले करने के लिए यहाँ चलते हैं पेजेस, होम, यहाँ से एक सिंपल टेक्स्ट विजिट लेंगे एंड यहाँ लिखेंगे टाइटल।
और यहाँ हमें एक यहाँ से कॉपी करना है शॉर्ट कोड, इस शॉर्ट कोड को आप कॉपी कर लें यहाँ से और इधर पेस्ट। अब आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे पोस्ट जो लिखा 8, इसे हम 10 कर सकते हैं, कर देते हैं, जो जिससे हमारा 10 पोस्ट डिस्प्ले होगा। 8 लिखेंगे तो 8 पोस्ट डिस्प्ले होगा, 8 प्रोजेक्ट। और यहाँ पे इंक्लूड में आप डाल दें जो आपने कैटेगरीज़ क्रिएट की है, जिस कैटेगरीज़ के आप प्रोजेक्ट्स डिस्प्ले कराना चाहते हैं, तो जो मैंने क्रिएट किए थे कैटेगरी वो मैं डाल दूँगा यहाँ पे। SEO डिज़ाइन एंड वेबसाइट, बस इसे सेव कर दिया, डन। अब हम अपना वेबसाइट रिलोड करके देखते हैं, तो हमारा ये वर्क पार्ट यहाँ पे ऐड हो गया। हमें यहाँ से कुछ स्पेस कम करना है, इसके लिए हम पैडिंग सेलेक्ट करेंगे, इसका एडिट थीम, और मैं इसे कर देता हूँ 30 10। तो ये कुछ स्टेप्स दिख रहा है, हम चाहें तो इसे फुल विड्थ कर सकते हैं। इसे फुल विड्थ करने के लिए यहाँ से लेआउट फुल विड्थ स्ट्रेस्ड अपडेट, तो ये कुछ इस टाइप से दिखने लगा है। अब यहाँ पे कैटेगरीज पे क्लिक करके डिफरेंट कैटेगरीज के प्रोजेक्ट को देख सकते हैं। तो हमारा वर्क पार्ट भी क्रिएट हो गया। वर्क पार्ट के बाद हम बनाएंगे एक फैक्ट्स, सम फैक्ट्स एंड फिगर अबाउट कंपनी। तो इसके लिए हम वापस अपने होम पेज में चलते हैं, यहाँ पे ऐड करते हैं न्यू रो, ऐड न्यू रो, एक नया ऐड रो ऐड कर लेंगे। एड विजेट एंड यहाँ पे है हमारा एक सिडनी फैक्ट्स, मैं इसे एडिट करेंगे। आप यहाँ पे टाइटल डाल सकते हैं, मैं इसे टाइटल नहीं डालूँगा। और आप यहाँ पे डिफरेंट फैक्ट्स नेम वैल्यू एंड आइकन सेलेक्ट कर दें, मैं यहाँ पे डालता हूँ फैक्ट नेम प्रोजेक्ट एंड फैक्ट आइकन। फैक्ट आइकन यहाँ से फिर से आपको यहाँ से डालना है आइकन सेलेक्ट करके, इसमें से
यहाँ पे मैंने चारों फैक्ट्स डाल दिए हैं। अब मैं इस रो का बैकग्राउंड एडिट करूँगा। बैकग्राउंड कलर मैं एडिट कर देता हूँ इसको, और रो का यहाँ से अब आइकन्स का कलर यहाँ से वाइट कर देता हूँ, और इसे मैं लेआउट फुल विड्थ एंड दिस तो आप देख सकते हैं हमारा फैक्ट्स क्रिएट हो चुका है। अब हमें इसके बाद क्रिएट करना है टेस्टिमोनियल पार्ट। टेस्टिमोनियल पार्ट क्रिएट करने के लिए हम चलेंगे यहाँ पे टेस्टिमोनियल्स, यहाँ पे ऐड कर सकते हैं ऐड न्यू पर मैंने दो टेस्टिमोनियल ऐड कर दी हैं। अब हमें इसे अपने फ्रंट पेज पर डिस्प्ले करने के लिए यहाँ चलते हैं। यहाँ से एक विजिट ऐड करेंगे टेस्टिमोनियल्स एंड टाइटल यहाँ पे हम डाल देंगे। तो हमारा ये टेस्टिमोनियल यहाँ पे ऐड हो गया। इसे अपडेट करके यहाँ से हम फिर से अपना वेबसाइट रिफ्रेश करके देखते हैं, तो यहाँ पे हमारा टेस्टिमोनियल पार्ट आ चुका है, ऐड हो चुका है। अब हम इसे यहाँ पे कुछ बैकग्राउंड एडिट करना चाह रहे हैं। मैं इसमें एक बैकग्राउंड इमेज लगाऊंगा, इसके लिए यहाँ पे चलते हैं एडिट रो एंड यहाँ से बैकग्राउंड इमेज। मैं यहाँ पे एक इमेज अपलोड कर दूंगा। कलर आप यहाँ पे वाइट कर दें एंड लेआउट फुल विड्थ अपडेट। तो आप देख सकते हैं हमारा टेस्टिमोनियल एरिया कुछ इस टाइप से दिख रहा है।
टेस्टिमोनियल के बाद हमें क्रिएट करना है अपना लेटेस्ट ब्लॉग पोस्ट एरिया एंड उसके बाद ये सोशल आइकन, सोशल आइकन और ये ब्लॉग पोस्ट। तो पहले मैंने ब्लॉग पोस्ट ऐड करूँगा, इसके लिए आप पहले पोस्ट ऐड कर लें यहाँ से, ये डिफ़ॉल्ट इसे मैं थ्रेस में डालता हूँ, ऐड न्यू यहाँ से अपने ब्लॉग पोस्ट का इमेज सेलेक्ट कर लेंगे, थंबनेल इमेज, आप इसमें पोस्ट में टैग डाल सकते हैं। ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग पोस्ट क्रिएट हो गया, इस स्टेप से मैं दो और क्रिएट कर लेता हूँ फॉर डेमो। तो हमारे न्यू पोस्ट ऐड हो चुके हैं, अब हमें इसे होम पेज पर डिस्प्ले कराना है अपने फ्रंट पेज पे। से लेटेस्ट न्यूज़,
तो अब यहाँ देख सकते हैं हमारा लेटेस्ट ब्लॉग पोस्ट भी हमारे फ्रंट पेज में ऐड हो चुका है। अब हमें एक बनाना है यहाँ पे सोशल आइकन्स, उसे बनाने के लिए हम एक पहले एक मेन्यू क्रिएट करेंगे, सोशल मेन्यू। उसमें हम चलते हैं अपीयरेंस एंड मेन्यूज मेन्यू, यहाँ से क्रिएट न्यू। एक मेन मेनू में क्रिएट कर रहा हूँ, इसमें हमारे होम ब्लॉग कॉन्टेक्ट एंड अबाउट अस पेज होंगे, जो हमारा मेन मेनू होगा। इसको अरेंज कर सकते हैं होम ऊपर, फिर ब्लॉग अबाउट अस एंड कॉन्टेक्ट अस। ओके, यहाँ से प्राइमरी मेनू एंड सेव, ये हमारा प्राइमरी मेन्यू क्रिएट हो गया। अब हम एक सोशल मेन्यू क्रिएट करेंगे, यहाँ से क्रिएट न्यू सोशल क्रिएट। इसमें हम कस्टम लिंक्स डालेंगे, जैसे facebook.com, इसे हम सेव कर लेंगे। इसके बाद हम चलते हैं अपना होम पेज में, से हम ये सोशल प्रोफाइल विजिट ऐड कर लेंगे। चल के यहाँ से एडिट और सेलेक्ट कर देंगे हम यहाँ पे एक मेन्यू सोशल, डन। और हमें रो को एडिट करना है, मैं इसका बैकग्राउंड चेंज करूँगा और पैडिंग 20, कलर वाइट, बैकग्राउंड कलर रेड, फुल विड्थ, डेट। तो आप यहाँ देख सकते हैं नीचे हमारा सोशल बटन्स भी, सोशल आइकन्स ऐड हो चुके हैं, और ऊपर में हमारा यहाँ पे एक मेन मेन्यू भी क्रिएट हो गया है। हम ब्लॉग में चल के देखते हैं, हमारा ब्लॉग पेज कुछ इस टाइप से है। हम अपने ब्लॉग पोस्ट को ग्रिड में भी व्यू कर सकते हैं, इसे ग्रिड व्यू करने के लिए यहाँ चलेंगे हम कस्टमाइज, ब्लॉग ऑप्शन, और यहाँ से ये सिलेक्ट करके सेव।
अब हमारा ब्लॉग पेज कुछ इस टाइप से दिख रहा है। आप इस इमेज को भी चेंज कर सकते हैं और इसे रिसाइज कर सकते हैं और इसे या इस इमेज को रिमूव भी कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ से हेडर एरिया एंड हेडर इमेज, यहाँ से हमें हेडर इमेज को चेंज कर दूंगा। एड न्यू, तो हमारा ये इमेज चेंज हो चुका है। अब हम इसे इसका साइज़ चेंज कर लेंगे। यहाँ से 300 है, मैं इसे 80 कर देता हूँ। तो अब कुछ स्टेप्स दिख रहा है। अब हमें बनाना है अपना अबाउट अस पेज एंड कॉन्टेक्ट अस पेज। अभी हम देखते हैं अबाउट अस कुछ ऐसा है, तो इसे एडिट करते हैं। से पेजेस में एंड अबाउट अस पेज, यहाँ से टेम्पलेट हम सेलेक्ट कर लेंगे। फ्रंट पेज एंड पेज बिल्डर एड रो, एंड विजिट में मैं साइट ओरिजिन एडिटर एडिट तो हम देखते हैं हमारा अबाउट अस पेज इस स्टेप से क्रिएट हो गया। अब हमें कॉन्टैक्ट अस पेज बनाना है। तो अभी कॉन्टैक्ट अस पेज हमारा इस स्टेप से दिख रहा है। इसे क्रिएट कर एडिट करने के लिए यहाँ चलते हैं पेजेस एंड कॉन्टैक्ट अस। यहाँ से भी टेम्पलेट, फ्रंट पेज एंड पेज बिल्डर एड रो, यहाँ पे मैं 2 कॉलम रो ऐड करूँगा एंड एड विजेट साइट ओरिजिन एडिटर। इसे डुप्लीकेट करके यहाँ पे एक डाल दूँगा और इसमें मैं कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट डिटेल्स और इसमें एक कॉन्टैक्ट फॉर्म ऐड करूँगा। यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म ऐड करने के लिए मैं यहाँ चलता हूँ कॉन्टैक्ट, इस पर क्लिक किया, इसे ओपन करता हूँ राइट क्लिक करके। यहाँ पे आप देख सकते हैं आप इस शॉर्ट कोड को कॉपी कर लें कॉन्टैक्ट फॉर्म 1 के से,
कॉपी करके यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे इसमें, एडिट पेस्ट, यहाँ पे हम इसे पेस्ट कर दिया एंड अपडेट। अब हम अपना कॉन्टैक्ट पेज देखते हैं, तो हमारा यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ऐड हो गया है और यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म जिससे कि यूज़र आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म में ये एडिट कर लें, यहाँ क्लिक करके यहाँ पे मेल में जाके यहाँ पे आप अपना ईमेल डाल दें जिस ईमेल पे आप कॉन्टैक्ट मैसेज रिसीव करना चाहते हैं। तो इस टाइप से हमारा ये वेबसाइट कंप्लीट हो चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।